ये तेरे हाथ में क्या है? वही देख रहा हूँ दादी। ये? ये पता नहीं किसने रखा है। अरे हमको नहीं पता दादी, ये तो इसको पता होगा। गंदा। ऐसे नहीं बोलते। सोचने की बात है कि इसे यहाँ रख के गया कौन, वो भी ऐसी अच्छी तरह से पैकिंग करके। कहीं आसमान से तो नहीं गिरा? पर आसमान से कैसे, क्या पता। ओ माँ जी, यहाँ बैठ के पंचायत चल रही है क्या? आज लगता है फैसला हो ही जाएगा। तुम भी आ जाओ। करो 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 बातें करो, फैसला आज ही कर लेना, लगे रहो। हम चले। उठ। पता नहीं कौन रख के गया। देखो अगर ये आसमान से गिरा है तो पक्का भगवान नहीं भेजा होगा। लेकिन जब सुअर का मांस कोई खाता नहीं है तो भगवान क्यों भेजेगा? अब तो आप इसे खा ही लो। मुझे जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। अब देखो इसके साथ क्या क्या करता हूँ। ये तुम क्या लाए हो? आपके लिए ताजी ताजी मछली, बस अभी निकाली है। इसे आज ही बना के देखना, मजा आएगा। ऐसे रोज आते रहना, आओगे ना? जो दिया है एक बार खोल के तो देखो। अरे सुनती हो? क्या हुआ? आज का खाना बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, तुम रोटी बना लो, मैं अभी मछली काट के बना लेती हूँ। ये कौन लेके आया था? ये भी चचप्पन लेके आया है। हाँ हाँ। तुम अपना काम करो जल्दी से। अरे ओ मथई, चचप्पन को सबक सिखाना होगा। चचप्पन! पहले हुआ था क्या ये? ये हर रोज मेरे घर के आगे मेरा मजाक उड़ा के जाता है। इसने मेरे घर आके मछली की जगह सुअर का मांस दिया। मारो इसको, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मार डालूंगा। मारे तेरे घर कभी आता था मछली बांधने? ये जबरदस्ती मेरे घर आके सुअर का मांस दिया। अरे सॉरी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो इस केस के लिए तुम लोग मेरे पास आए थे? मेरे पास इसके अलावा और भी काम है, दफा हो जाओ। ये है एक मजेदार कहानी जो मैं आपके सामने लाया हूं, आइए देखते हैं। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। सारा सम खुश हो, अब न कोई दुख हो, सारे गम भूले मिलके गाएं।
चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। थोड़ी हवाएं भी अब बदलेंगे, धरती मुस्कुराएगी, आसमां में तारे चमकेंगे, खुशियां ही खुशियां अब फैलेंगे, फूलों से महकेंगे, चलो मिलके स्वर्ग बनाएं हम। ईश्वर की कृपा होगी, दुनिया नजारा देखेगी, हम मिलके उस कृपा को बनाए रखना है, यह मानवता का करम। चलो मिलके खाए कसम, मुश्किलें दूर करें, हमें शक्तियाँ देना। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। आत्मा ये चंदा की जैसे झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। सारा समा खुश हो, अब न कोई दुख हो, सारे गम भूले मिलके गाए भागो भागो। अरे आग लगी, जल्दी भागो। देखा, बड़े आए थे चर्च पे हमला करने वाले, पर कुछ बिगाड़ नहीं पाए। चलो यहां से चलते। हाँ, चलो चलो। ऊपर भगवान और मैं भगवान का सेवक, मतलब आपका सब कुछ मेरा। हर बार कोशिश करता हूं, आप साथ नहीं देते। हाँ हाँ, खोलता हूं। हैप्पी हैप्पी। मुख्य महाराज नीचे ए? नीचे देखो। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। उठो। तुम क्या कर रहे थे, जवाब दो। मैंने ही पूछा है, जवाब दो। खड़े हो जाओ, निकलो यहां से, जाओ यहां से। ये महाशय है पहलकुट्टी। चांद पे जैसे नील आर्मस्ट्रांग अकेला था, वैसे ये भी है, अब ना रहे। आमीन।
ज्यादा सोचिए मत, ये नैसर्गिक है, हवा। हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं ईश्वर की प्रार्थना के लिए। हे प्रभु, सबका भला करना, लेकिन उससे पहले मेरा भला करना, बस मेरी यही विनती। अभी तक प्रेयर शुरू नहीं हुई, चुपचाप बैठो। सोलोमन कहाँ पे है? कहीं दिख नहीं रहा है। सोलोमन यहाँ आया नहीं है, वो होगा अपने घर पे। अगर वो यहाँ आ गया तो ऐसा ना हो कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए। बस हो गया, यहाँ आए हुए सभी अनुयायियों पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। आमीन। लगाओ एक जोर से। उज्जा आ गया फिर से, सोने भी नहीं देते। ये समय सोने का नहीं है, उठ के कुछ काम करने का है। यहाँ सोते रहने से जीवन में चाहते हो वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, समझे के नहीं? आप क्या बातें कर रहे हो, ये कभी नहीं सुधरेगा। हा? इसे कॉफी दो। ये कॉफी की तरह कुछ और मिलेगा क्या? नहीं, कॉफी है। ये पीने से तेरी बुद्धि प्रबल हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा। अब तुझे क्या हुआ बता? मेरा मन था आपको छेड़ने का। ये क्या समय है मजाक करने का? Tut 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 t
के आगे हमारा प्यार परवान चढ़े। ऊपर वाले का आशीष मिल जाए, हम तुम कहीं मिलके दूर चले। आओ दो जहां को हम एक करें, जैसे धूल और भवरा मिले वैसे हमारी जिंदगानी हो। ये सोलो मन सुषना के प्रेम कहानी है, ये बचपन से जवानी तक की महकी रवानी है। तुत्तुरुरु तुत्तुरुरु तुत्तुरुरु। बनके सपनों में शामिल था हमारा साथ, यूं ही रहे अपनी कहानी है सबसे प्यारी, ये जिंदगानी है कितनी न्यारी। अपनी कहानी है सबसे प्यारी, ये जिंदगानी है कितनी न्यारी। सुलेमान, कहाँ जा रहे हो? कीर्तन के लिए जा रहे हो क्या? हाँ। लो आ गया, यहाँ लोग घर वापस जा रहे हैं और ये काम पे जा रहा है, इसे देखो आज भी लेट हो गया। ऐसी बात नहीं है, मैं निकल ही रहा था लेकिन तबीयत खराब हो गई थी। ईश्वर मेरे बेटे की रक्षा करना। ये देखो काम पे न जाने का एक और बहाना। सुन ले, काम पे न जाना तो सिर्फ एक बहाना है, मैं अच्छे से जानती हूँ, वरना इसका ध्यान तो कहीं और ही रहता है। आप ही समझाइए ना इसको, काम पे जाने के लिए मैं बहाने क्यों मारूंगा। गॉड ब्लेस हिम। अरे ले ले ले, ये तो कभी भी बहाना बनाता ही नहीं है, अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। क्यों बड़ी है अपने भाई के पीछे, मेरा बच्चा काम पे जा रहा है उसे जाने दो। हाँ बेटा अपना काम ध्यान से करना, तुम बस सर पे हाथ रखो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। दीदी तुम भी मुझे विश करो, ये देखो मुझे बैंड का लेवल मिला है। हम घर चले माँ। हे ईश्वर, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, कुछ भी हो जाए तो सब कुछ संभाल लेना आप, प्लीज ब्लेस मी। बैंड के कपड़े पहनने से क्या तुम्हें बजाना आ जाएगा क्या सुलेमान? मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ पापा जैसा बनने के लिए। कुछ काम ही करना है तो चर्च में जाके करो, न्यू ईयर पे बैंड के लिए मैंने लोगों को चुन लिया है, तुम फिर कोशिश करना। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैंने बैंड में आने के लिए बहुत मेहनत की है। उनको मत देखो, गिवर्गीज बैंड को बेहतर बनाना है, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। देखिए इस बैंड को सोलोमन की जरूरत है, सोलोमन ही इस बैंड का नाम रोशन कर सकता है ऐसा मुझे लगता है। मैं इस चर्च में 15 सालों से फादर के पद पे हूँ, इस दौरान मुझे कोई भी इस पद से हिला नहीं सका, आज तक मेरे कहने के खिलाफ कोई नहीं गया, इसमें तुम्हारा क्या कहना है? अब इसमें बोलने वाली क्या बात है आप बताइए, संगीत तो इसके खून में है, अगर ये दूध का काम करते हुए भी चर्च के बैंड का हिस्सा बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता? ये मत भूलिए ये स्टीफन आशन का बेटा है। पिता के जीनियस होने से बेटा भी वैसा हो, वो भी अच्छा कलाकार बने ये जरूरी नहीं, फिर भी देखते हैं।
कुछ बजा के सुनाओ। इससे आवाज आती भी है या तुम्हें बजाना नहीं आ रहा? नहीं, वो क्या कुछ कहना है? मुझे बजाना आता है लेकिन। तो तुम क्या किसी नेवते का इंतजार कर रहे हो? बजाओ ना। बजाओ। मेरी बात मानो, तुम एक काम करो, ये सब छोड़ दो, चर्च में आके कुछ काम कर सकते हो, जैसे साफ सफाई का काम। और हाँ, इस ड्रेस को और बैंड को यहीं छोड़ जाना। सुबह 5:30 बजे चर्च में पहुंच जाना, सुबह की घंटी बजाने के लिए। खाना बढ़िया बनाना, साथ में इंजीनियर साहब भी खाना खाएंगे। देखो क्या मजेदार आतिशबाजी हो रही है। मरी अम्मा, आपके हाथ का चिकन खा के बहुत समय हो गया। मरी अम्मा, हाथ में दो दो मुर्गे, ऐसा क्यों? ये इंजीनियर साहब के लिए है। आगे जाके तैयारी करो, हम आते हैं। आप तो इंजीनियर हैं, मुझे इस बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। आपके रहते हुए किसी भी चीज की कोई चिंता ही नहीं है। आपको तो मैंने सारी जगह ही दिखा दी है। अभी ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना मेरा काम मुझे अपनी तरह से निकलवाना आता है। समझा दिया है मैंने इसको अच्छे से। अरे इंजीनियर साहब, अरे वो तो ऐसे मजाक करते रहते, आप आइए आइए हमारे साथ। मुझे वही लगा। संभल के। मच्छन, तुम सोलोमन को जानते हो? उसे तो बैंड से ही निकाल दिया। अब तो सोचने वाली बात यह है कि उस चर्च में वो सफाई कैसे करेगा, अपने पिता का नाम खराब कर दिया। अरे पापा, सोलोमन तो बहुत अच्छा बजाता है, बस सुनने के लिए अच्छे कान चाहिए। तुम्हें कैसे पता? आपको क्या, कटलेट खाओ। सच सच बताओ मुझे, तुम सोलोमन से मिलती हो ना? हाँ मिलती हूँ, आपको नहीं पता? ये क्या किया? ये कौन सा तरीका है? मुंह धुलाओ इसका। दिखा। तुम खाना खाओ, मैं उसे देखता हूँ। हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। ये क्या हो रहा है? जल्दी, तुम गाड़ी निकालो जल्दी से। कुछ नहीं होगा आपको। मिराम्बो, एक रोटी देना। मिराम्बो, अब मैं क्या? जल्दी से पानी लेके आओ। हाँ लाती हूँ। मम्मी, तू ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ? इतनी जल्दी मैं ऊपर जाने वालों में से नहीं हूँ। तुझे मानना होगा, मेरी एक्टिंग तुझसे लाख गुना बेहतर है कि नहीं? आप मजाक कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके फिर से खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। जाओ, आपको नाटक करने की क्या जरूरत है? जाओ जाके अपना काम करो। ये तो मुझे मरवाएगी। आप मजाक कर रही थी ना दादी? अब तो घर पे सब तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे हैं, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती हूँ सोलोमन। तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने तो कोशिश की थी बैंड में शामिल होने के लिए, लेकिन उस समय मैं बजा नहीं पाया। अगर ज़्यादा बुरा लग रहा है तो तुम भी मुझे छोड़ के जा सकती हो यहाँ से, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर छोड़ना होता तो पहले ही छोड़ देती। मैं यह कोशिश कर रही हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सोचता नहीं हूँ? मैं भी कुछ करना चाहता हूँ अपने पिता की तरह,
पर कर नहीं पाता कुछ भी। बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं, अब क्या तुझे बताऊँ। मेरे सामने तो तुम बहुत ही अच्छा बजाते हो, फिर सबके सामने बजाने में तुम्हें क्या परेशानी है। ओ, चाहे तो किसी और को ढूंढ लो, मुझसे मत मिलना अब। अगर ऐसे बात की ना तो सच में चली जाऊंगी। वैसे भी तुमसे मिलने के लिए मैं जैसे तैसे घर से यहाँ आती हूँ। लो देखो वो लोग फिर से जीत गए, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होगा। बस ये लेके सिर्फ एक जगह पे खड़े होके तुम तमाशा ही देखते रहना। ये तुम्हारे लिए है, इसे खा लेना तुम। ये लोग बस यहाँ रोज आ जाते हैं और बैठ के पीते रहते हैं, इन्हें कोई काम धंधा तो करना नहीं है। ये ले, मुझे सब अकेला छोड़ देते हैं। अरे तो रोता क्यों है, तुम सब लोग इसी लायक हो, मेहनत करके कुछ करने के बजाय यहाँ बैठ के बस जिंदगी खराब करते रहते हैं। और एक ये है जिन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया है, बेचारे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी कोई धुन बजाओ जो आज तक किसी ने सुनी ना हो। हे भगवान, ये तो यही आ रहा है। ए, देखो वो लोग यही आ रहे हैं। आए हो क्यों यहाँ पे, अब क्या चाहिए जाओगे। सुर का खेल बना के जो तमाशा है हम सब जाने। हमें ना जीतना ना हारना कुछ करना है। जरा बक बक ना करो मुर्गी की तरह कुकुड़ को कुकु। रस्सी जल गई पर कण नहीं गई। अरे देखो कैसी शक्ल है ये, कैसे जीतेंगे। बड़ा मजा आ रहा है, बोलो कैसे जियोगे। हम तो न छोड़ेंगे तुम्हें यूं ऐसे, सबको मजा हम चखाएंगे ऐसे। अकड़ जाएगी सारे काम से, सूरत देखी है शीशों में अपनी। चुल्लू भर पानी में मर जाओ तुम सारे, तुम्हारा तो कुछ ना होगा। हाल देखो चाल देखो, ये तो गए काम से। ये हमें नीचा दिखाने आए हैं। खुद तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाते और हमें अकड़ दिखा रहे हो। हमें पता है तुम लोग कितने पानी में हो। सुन लो, हमें कम मत समझना। एक समय वो भी था जब डेविस को हमने जिताया था, समझे ना। अब निकल जाओ यहाँ से। मारी इतनी हिम्मत। जो बीत चुका हो उसे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम पीछे हटो। संगीत तेरी मेरी या किसी की जागीर नहीं है।
एक क्लैरोनेट एक साज है जिसकी पूजा करनी चाहिए, और डेविस इसमें ईश्वर का वास होता है। इसे सीखने के लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। तुम्हें इस पर विश्वास हो या ना हो, ये क्लैरोनेट हमारा जीवन है। इसका मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं। जरा ईश्वर से डरो। ए, यहाँ खड़े होके प्रवचन देने वाले तुम लोग होते कौन हो? बड़े आए हमें समझाने वाले, खुद तो जीवन में कुछ कर नहीं पाए। इस बार ये बैंड कॉम्पिटिशन हमारी टीम जीत कर आई है, जिसके इनाम में मिला है हमें ये कप, जिसमें भी दम हो कोई भी मुझसे आकर लड़ाई कर सकता है। साल में हमें एक बार मौका मिलता है कि कला का प्रदर्शन कर सकें, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तुम लोग यहाँ पे आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इससे तो अच्छा होता कि तुम सब मिलके अच्छे से रिहर्सल करते। अगली बार के लिए ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है हम लोग जीत नहीं सकते? हम जरूर जीतेंगे। अरे कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए ना आप लोगों को। अरे देखिए की बात करते रहते हैं, क्या नहीं हो पाएगा इन लोगों से? देखिए फादर, हमें भूलना नहीं चाहिए, हम सब के लिए लुईस पप्पन और स्टेफन आर्सन ने क्या क्या किया है। इन्होंने हमेशा गांव की इज्जत बचाई और इनको इस सेवा का फल इस तरह से मिल रहा है, इनके जैसा कोई नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमें इस गांव के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। कुछ गलत नहीं है? क्या गलत कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा मैंने। रुक जाओ, गलत है। ऐसा है, ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है। इस तरह के मतभेद यहाँ चर्च में करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि बैंड को एक और मौका देना चाहिए। अरे तुम्हें इतने मौके दे चुके हो, कितने मौका दे? इतने तो मौके दिए और कितने मौके चाहिए? बात अभी चल रही है, उसके बारे में जवाब दो। सिर्फ अभी बताओ, ऐसे नहीं चलेगा, जवाब दो। ये नहीं होगा, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। एक समय था जब कुमारन करी का नाम सेंट जॉर्ज बैंड से जाना जाता था। उस समय बैंड को चलाने वाले व्यवसायिक नहीं थे, और सभी के लिए क्लैरोनेट सिर्फ एक साज नहीं था बल्कि जिंदगी थी। लेकिन आज सब बैंड का हिस्सा इसलिए बने हैं ताकि कमा सके। उस समय हम सब मेहनत करते थे, इसलिए हमारा बैंड प्रसिद्ध था। आज चर्च में आने वाले लोग अपने बच्चों को कितना सीखने के लिए भेजते हैं। कितना अच्छा होता अगर गाँव का हर बच्चा सीखना चाहता या सीखने की भूख होती। पर क्या भूख है? मुझसे प्रश्न करने से पहले एक बार इस बारे में सोचिए। मैंने संगीत की सेवा के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, क्या यही दिन देखने के लिए? बैंड के भविष्य के लिए हम सबको मिलके इस बारे में कोई उपाय निकालने चाहिए। अगर आपको ठीक लगे, ये मेरा सुझाव है, बाकी जैसी आपकी मर्जी, आता हूं मैं। सही बोल रहे हैं भाई, भाई लगता। हाँ भाई, ये जमाना नया है, कुछ गलत की इज्जत करनी चाहिए, इनकी बात रखनी चाहिए। अरे क्या सही कर रहे हैं? चलो चलो चलते हैं। सही बोला उन्होंने। सोच रहे हो पप्पन? सुनाओ ऐसा पुराना किस्सा जो आपको याद हो। हम सब चर्च में बजाया करते थे, बहुत जोश हुआ करता था सब में। पानी के बीचों बीच चांदनी रात में बहुत मजा आता था। बेटा, स्टीफन के क्लैरिनेट की धुन कानों में मिठास घोल दिया करती थी, और वहीं हम दोनों जुगलबंदी किया करते थे, और गांव के लोग भी शामिल होते थे। वो चांदनी रात थी, मुझे आज भी याद है, जैसे सुरों की दोस्ती प्रकृति से हो रही हो। साथ में रियाज करना, नई नई धुनें बनाना, कितना आनंद आता था। इसी की वजह से बजाने में मजा आता था, कितनी खुशी मिलती थी। जब हम दोनों मिलकर स्टीफन की वो धुन बजाते थे, पर सब कुछ बदल गया। मेरा दोस्त चला गया, मुझे अकेला छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता,
आज स्टीफन नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। संगीत का माहौल जो तब था वो अब नहीं है। अब तो बस हमारा बैंड ही बचा है। सही कह रहे हो, मैं समझता हूँ आपके दिल को कितनी चोट पहुँचती होगी। थोड़ी ही देर में हम कुमारन करी गांव के किनारे पहुँचने वाले हैं। इस भावना को आज के लोग क्या समझेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर आपकी तपस्या को ऐसे विफल नहीं करेगा। Botar papel de massiva de diante da fileira. Esmo uma fama, tudo ali já tá com cheiro. Esmo a grande raganha, botar papel mais que ninguém. Outra menina, da boca tem comparação. Sure. Why not? Botar papel de massiva de diante da fileira. Esmo uma fama, tudo ali já tá com cheiro. Esmo a grande raganha. सब ध्यान से सुने, अपनी सुरक्षा के लिए सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में हम कुमारन करी गांव के किनारे पहुंचने वाले हैं। आप लोग अगर अपनी जगह पर नहीं बैठे और अगर कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, सी यू, बाय। तुम लोग एक बात बताओ, दारू पीना क्या गलत बात होती है? ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तुम सब के नाम सबको चढ़ती है पर मुझे नहीं चढ़ी। मुथु चाचा, वोट आ गई, मैं निकलती हूँ। मैं निकल रही हूँ, वोट आ गई है। पीतेगा एक दिन। माँ ने तुझे जो काम कहा था ना, उसे याद से कर लेना। मैंने ऑफिस में सारे पैसे भर दिए हैं, मैं जाके आती हूँ। हाँ, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ओ, जो काम कहा है याद से कर लेना, इसके चक्कर में काम मत भूल जाना। वैसे तुम भुलक्कड़ भी हो। इतना चिल्ला क्यों रही हो, तुम जाओ यहाँ से। अब इसे क्या बताऊं, तुम्हारी हिम्मत कैसी है इसे बात करने की? ए, अभी तो सिर्फ मैंने बोला है, अगर मेरा बच ले तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी, समझ गए? हाथ लगा के दिखाओ। अरे क्लारा, वो देखो वोट आ गए तुम्हारे। बढ़िया, इस समझाने वाली इसकी। तुम ये खाओ ना। प्लीज। ये हमारे गांव में कौन आ गया? क्या बात है, हमारे गांव में भी अजूबे आते हैं। ओके, सी यू। थैंक यू। यू डांस वेरी वेल। यू टू। बाय बाय। भैया एक नींबू सोडा देना। भैया वो चर्च। इस गांव में आपको पहली बार देख रहा हूँ,
अमेरिका से आए हो या फिर मुंबई से? हाँ, आपको कैसे पता? मुझे ना पता लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता ही था। ये बताइए आपका सामान किधर है? मेरा सामान दूसरी बोट से आ रहा है, कल तक आ जाएगा। हाँ, ये बताइए अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? वो यहाँ पे पास में चर्च है ना, यहाँ कुमारन करी में सभी लोग पुण्य कर्म के लिए आते ही रहते हैं। आइए बैठिए, मैं चर्च ले चलता हूँ अपनी रामदुलारी पे, यानी मैं चर्च का मुख्य महाराज अवसेफ। क्या महाराज? अरे वाह भैया, ये लीजिए। महाराज जी, अभी अभी ताजी पकड़ के लाया हूँ, आप चाहो तो आपको कम दाम पे दे सकता हूँ। क्या करूँगा इसका? शाम की प्रार्थना के बाद आप चर्च में फादर को बना के खिला सकते हो। इसे आप ले जाइए मेरी तरफ से, फादर खुश हो जाएंगे। ओह, वाकई में बहुत ताजी है। बिचारी ये मछली गई काम से, महाराज अपनी रसोई में अपने इस भूखे पेट की आग बुझा दे, क्या पता। आमीन। इसको जरा पकड़िए। हाँ पकड़िए। मछली को पकड़ के ये गधे के साथ कहाँ चल पड़ा? आपको पता है कुमारन करीब बहुत सुंदर गांव है, और इस गांव में मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। आप एक बार हमारे हाथ का खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। अच्छा सुनिए, यहाँ तक तो मैंने आपको पहुँचा दिया, लेकिन मिलना किससे है? मिलना नहीं है, मैं तो यहाँ पे रहने के लिए ही आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। वो चर्च के लिए फादर को अपॉइंट किया था ना, फादर विंसेंट वटोली। ये मछली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ अंदर आ जाओ। वो मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, विंसेंट वटोली। क्यों, यकीन नहीं हो रहा है? ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मैं फादर विलियम। हाँ। फादर जोसेफ का जूनियर, आपका यहाँ स्वागत है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? वैसे नहीं हुई होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ। ना वैसे भी यहाँ तक पहुँचने में परेशानी नहीं होती? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओ। वैसे ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हुलिया नहीं, ये कपड़े रेडीमेड है, पैंट शर्ट। मतलब ये इम्पोर्टेड शर्ट है? हाँ। एक फादर को ये शोभा नहीं देता। वो क्या है, कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट लगता हूँ, और इन कपड़ों में लंबा सफर करना थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। मतलब कंफर्टेबल? अब फादर को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती क्या? आपको भूख लगी होगी ना, ये लीजिए खाइए, ये स्प्रिंग रोल है, खाइए। नो थैंक्स। कोई नहीं, मैं खा लेता हूँ। एक फादर के लिए भौतिक चीजों का कोई मोल नहीं होना चाहिए, समझे? ईश्वर के दूत को पैंट शर्ट जैसे कपड़े बिल्कुल शोभा नहीं देते। एक बात ध्यान में रखना, ऐसे कपड़े फिर ना दिखे। फादर, इसके सूच के बारे में, सूच के बारे में ये ध्यान रहे, तुम ईश्वर के अनुयायी हो, ये भौतिक चीजों से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर कुछ ऐसा पहनने का मन करता है तो अपने मन को समझाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जी जी ठीक है। एक बात बताइए, वैसे फादर की यूनिफॉर्म में पॉकेट बनवा सकता हूं कि नहीं? रहने दो, कोई बात नहीं। क्या पता विटोली को किसने भेजा है, आ ही गया है तो देखते हैं। जरा संभाल के। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, पहनो पहनो। मैंने सुना इस बार कोई और कंपटीशन जीत गया, क्यों? वो लोग जीत गए और हम कंपटीशन हार भी गए। लेकिन हारने की कोई और भी वजह हो सकती है ना, क्यों? मैंने अभी तो बोला कि हम लोग हार गए। बैंड के मालिक डेविस और उनकी बीवी मरियमा को जीतने के पैसे भी मिले। तो डेविस ने क्या किया? क्या नहीं किया उन्होंने, बहुत पहुंची हुई चीज है वो, इसीलिए तो जीत गए। खिलाए होंगे किसी को पैसे कब के लिए, ताकि पूरे गांव में सीना तान के शान से घूम सके। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों का साथ कोई भी नहीं देता है, बताओ।
ऐसा क्या? सोलोमन जरा फोन उठा। नहीं बाबा, फोन तो आप ही उठाइए, मैंने उठा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप दोनों शाम को 5 बजे चर्च के पीछे वाले गेस्ट हाउस में मुझसे मिलने आ सकते हैं। हम तो सोच रहे थे कि आप हमारे घर पे आएंगे, लेकिन आपने तो हमें ही बुला लिया। अगर आप यहाँ आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता। मुझे तो अरे अरे इधर तो यार, मुझे मैं बात कर रही हूँ ना, छीन क्यों रहे हो? हेलो, हाँ बोलो। अरे कैसा है भाई? अच्छा हूँ भाई। तुम यहाँ कब पहुँचे, फोन क्यों नहीं किया? हाँ मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। ऐसा क्या काम है जो मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया? तुम्हें सीधे घर आना चाहिए था। अरे दो मुझे, घर पे खाने के लिए कब आ रहे हो तुम? अरे आज ही तो आया हूँ, थोड़ी सांस लेने दो, मैं कभी भी आ सकता हूँ। ये बोल रहा है कभी भी आ जाऊंगा, इसे तो कभी भी उठा के ला सकता हूँ। ऐसे कैसे, मत भूलो कि ये तुम्हारा घर है। देखो अगर तुम हमारे घर पे खाने के लिए नहीं आए ना, तो हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे, समझ गए ना? ओके बाबा। बहन है आपकी? हाँ मेरी चचेरी बहन है, नाम है मरियमा। सोलोमन जी, मुझे लगता है तुम्हें क्लैरिनेट बजाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। सोलोमन रुको, माना कि वो मेरी बहन है तो सब कुछ बदल जाएगा? हा? अरे फादर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चंगना शहरी से विंसेंट वटोली, आज से और अभी से इस गांव कुमारन करी की किस्मत बदलने आया हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं क्या कहूँ, कल की वोटिंग के बाद चर्च में बैंड रहेगा। बोलो सोलोमन क्या करोगे? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो बैंड से कल ही निकाल दिया गया, अब दूसरा ही कोई वहाँ पर रहेगा। कल वहाँ जो भी कुछ हुआ इसके बाद उन लोगों की बात कौन सुनने वाला है, इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गिवर्गिस बैंड के लिए मुंबई से हमने आप सभी लोगों के लिए एक गाइड को बुलाया है, और उनका शुभ नाम है फादर विंसेंट विटोले, जो आपके सामने आकर दो शब्द बोलेंगे। इसी न्यू ईयर पे मुझे पता लगा कि कुमारन करी आना है, मुझे बहुत खुशी हुई। वो अंग्रेजी में खुशी को क्या बोलते हैं आप ही बताइए। हैप्पीनेस। हाँ बिल्कुल सही, मैंने अपने पिताजी से ही बहुत अच्छी बात सीखी थी, हमेशा खुश रहो और हर जगह खुशियाँ बांटो, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कुमारन करी की खुशी बनके। कुमारन करी के कण कण में पवित्रता और सुसंस्कार भी बसे हुए हैं। मैंने देखा यहाँ के लोगों में बहुत प्रेम है, अब हम सबको मिलकर इस अमूल्य कला को बचाना ही होगा। चर्च में आने वाले सभी लोगों को एक साथ प्रेम से मिलकर रहना होगा। वर्षों से जो संगीत की सेवा कर रहे हैं, यह उन्हीं का कमाया हुआ पुण्य है कि हम सब एक साथ मिलकर इस जीवन में इस अमूल्य कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। हमें फिर से सब ठीक करना होगा, सबके अंदर जीतने की आशा जगानी होगी, और वो एक ही चीज से संभव है, पूर्ण नाट्य संगीत। कुमारन करी बना सिर्फ संगीत की वजह से, और ये संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रीवर्गीज बैंड का। हमारे बैंड में ये पियानो भी बजेगा, ये इतने सालों से बंद था पर ये फिर बजेगा, इसे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। स्टीफन आशिन, उन्होंने
अपनी पूरी जिंदगी इसे दे दी, लेकिन आज भी वो हैं, बस साथ में उनका शरीर नहीं है। शायद आप सोचने लगे हैं कि मेहनत करने से क्या होगा, संगीत से घर कैसे चलेगा, लेकिन एक बार लुई पप्पन को देखिए। उन्होंने जीवन भर कुमारन करी की लाज रखी है, कुमारन करी में संगीत जिंदा रखा है। संगीत कोई हल्के में लेने वाला विषय नहीं है और ना मजाक है। किसी की विद्वत्ता जीतने या हारने से तय नहीं होती, सही कहा ना? बोलिए, सही कहा ना? बेटा सही कहा ना? बिल्कुल सही। बैंड को उभारने के लिए क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? फादर, क्या आप सही में ऐसा करने वाले हैं? करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। देखो कौन आ गया, लोग खुश और हैरान हैं। यीशु ने भेजा संदेश, भिजवाया है काया पलटने के लिए, इस गांव में भिजवाया है। इनके यहाँ आने से गांव की हवा बदल गई, गली गली महक गई, खिल उठी। फादर वे डोले गुणगी खाने, जिन सुर लय की है पहचान, नृत्य में डूबे पूरा ग्राम, स्वागत है। मुस्कुराहट प्यारी है, चेहरा तेजवान है, ऊर्जा से रूप भरा है। मीठी है बोली, मुस्कान रंगोली, ये गांव है भाग्यशाली। अलग सा माहौल बन चुका है अब इस गांव में, खुशियां ही खुशियां बरस रही है गांव में। ओ, अलग सा माहौल बन चुका है अब इस गांव में, खुशियां ही खुशियां बरस रही है गांव में। कुमारन करी की है जान, हम सब का मान है, नई आशाएं जगें, ख्वाहिशों से सजी, तुम्हें ही पार लगानी है हमारी नया। सुर से सजाएंगे, ताले में रमाएंगे, पूरे गांव को स्वर्ग बनाएंगे। विट्टोले इतना प्रवचन देता है, गांव बदलने की बात कर रहा है। कोशिश भी मत करना उसके बारे में कुछ बोलने की, वरना तुम यहां। चलो अंदर आओ। मानना पड़ेगा, आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, इसीलिए तो आपने इतनी गहरी बात इतनी आसानी से समझा दी। ग्रीवर गिज बैंड के मेंबर्स के लिए आप ही एक हिम्मत है, इसके लिए शुक्रिया। आप हमें उभरने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना? हाँ,
आओ आओ अंदर आओ। इनसे मिलिए, फ्रांस से आई है मिशेल। बहुत मेहनती है यह लड़की। मेरे पास संगीत सीखने के लिए इसके पिताजी ने इसे यहाँ भेजा है। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और यह है, और यह है फादर विंसेंट। ये चर्च की तरफ से हमारे लिए आए हैं। आई नो। लोई पापा, सोलोमन प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहा है? वो दिन भर ये साज लेके घूमता रहता है पर बजाता नहीं है। पूछिए इनसे। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिंदगी में कभी बजा पाएगा। आप एक चर्च के फादर हैं? Yes. But you dance. चर्च फादर, आप डांस भी कर सकते हैं? मिशेल, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कंफर्टेबल है। मुझे हिंदी भाषा सीखना है। मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तुम्हें डांस के अलावा और क्या पसंद है? आपका संगीत, योर कल्चर, और वो क्या परंपरा। मन में हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है, मन में बस दृढ़ता होनी चाहिए। You are very different man, Father Vincent. I like you. And you are very different woman. I like you too. Father Vincent, अगर आप priest ना होते तो आपको अपना boyfriend बना लेती। Yeah, I will think about it. Okay, think about it. यहाँ पे तो रोमांटिक सीन चल रहा है, क्यों है ना? तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। भाग तो कहाँ है तू? मैंने मेरे घर आने की कोशिश कर रहा था, अगली बार दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। भाग गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने भाई को समझा नहीं सकती। गांव में कुछ भी गलत हो मैं देख नहीं सकता। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? पूछना है ना कल पूछ लीजिएगा। आपकी परेशानी से मुझे क्या लेने देना? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अगर ये स्टीफन हसन का घर नहीं होता, किसी और का होता, तो आज वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। दिमाग खराब हो गया। चलो यहाँ से। इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मुख्य महाराज को देख कर मुझे एक पालतू कुत्ते की याद आ गई, चक्की, जो अपने मालिक के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। निकल जा। आज रात को मुख्य महाराज ने इतनी बुरी तरह से बात की, चक्की, उसकी यादें ताजा हो गई। आज बहुत देर हो गई, बहुत भूख भी लग रही है। ए क्लारा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कितनी बार समझा चुकी हूँ पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो लोग घर पे आके ताना मारने लगे हैं। मारने दो, तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है? सुनो, मैं भी स्टीफन आशन का बेटा हूँ, सिर्फ तुम ही उनकी बेटी नहीं हो। अब तुम भी मेरे विरोध में जाके खड़े हो जाओ, ठीक है? तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो भी गांव के सब लोग मुझे बोलते हैं। पर तुम्हें क्या लेना देना है उससे? बस मुझ पे गुस्सा करना।
हमेशा चाहते थे कि तू उनके जैसा बने, और वो हम सबको यूं अकेला छोड़ के चले गए। मैं उनके जैसा नहीं बन पाया। क्लारा, सोलोमन कहाँ है? अंदर है। क्यों? वो चर्च जाना है, फादर विंसेंट ने बुलाया है। शिवा सुनो। हाँ हाँ बोलो ना। मैं चर्च के लिए तैयार हो रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। माँ बस कर ना, हो गया बस। कभी तो मुस्कुरा दिया करो। आऊँ? बिल्कुल नहीं। थोड़ा पानी मिलेगा? एक और ये आया। तुम्हारी बोट तो ठीक है ना? अच्छा, वो अंदर रखिए, उसे बाहर ले आओ। ले आओ क्या, बोलो ना। जल्दी पानी पियो, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है घर पे। सुनो शिवा, चप्पू नहीं चाहिए? मुझे तो लगा था छत गई काम से, तकलीफ हो रही होगी ना। हाँ, काश तुम लंबे होते तो इतना कूदना नहीं पड़ता ना। अरे बोट क्यों नहीं निकाली? चलो चलो, देर हो रही है। बेटा घर पे सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है। भागो यहाँ से। हमें जाना कहाँ है? वो कॉन्ट्रैक्टर के घर पे प्रेयर करनी है, बाकी मुझे नहीं पता। अरे अयो, अब क्या करें? अब आगे कैसे जाएंगे? गॉड नोज। देखते हैं कुछ। फादर आप ले तो चल रहे हो, लेकिन सब ठीक तो होगा ना? मैं सिर्फ आप पे भरोसा करके चल रहा हूँ। सोलोमन डरो मत, हम प्रेयर करने जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। फिलिपोजे, इस बोरे में क्या है? हाँ वो तो खाद है पेड़ों के लिए। ध्यान से, हाँ पैर खराब हो जाएगा। स्मेल तो अच्छी है। क्या फादर आप भी? मुर्गे की खाद से खुशबू आती है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक अच्छे घर से हैं इसीलिए आप फादर बन सके हैं ना? हमारे यहाँ तो सिर्फ फादर जोसेफ प्रेयर करवाने के लिए आते हैं। बाकी वरिष्ठ फादर्स को अच्छा नहीं लगता है, क्या कर सकते हैं, जैसे ईश्वर की इच्छा। हाय। हाय, हाउ आर यू मिशेल? फादर विंसेंट, आप कहीं जा रहे हैं? इनके घर ब्लेसिंग्स देने। शाम को प्रैक्टिस के लिए आ रही हूँ ना। सी यू देन। सी यू। बाय बाय बाय। लगता है इस लड़की से आपकी अच्छी दोस्ती है। बेचारी, ये लड़की बहुत धार्मिक है। घर पे ब्लेसिंग देने से सब ठीक हो जाएगा? एक काम कीजिए, मैं आपको बाइबल और पवित्र जल देता हूँ, जब आपकी पूजा हो जाएगी तो आप चर्च में वापस कर दीजिएगा। और सुनो, आप शांति से कितना मजाक करते हैं। क्यों भजा कुत्ते? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये नींद में है, नशे में नहीं। हे प्रभु, इस पवित्र जल से इस घर की रक्षा कीजिए ताकि बुराइयां दूर हो सके। आमीन। पूजा खत्म हो गई है, अब किसी को बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बेटा सोलोमन स्तोत्रम 9 से 90 तक की धार्मिक कविता है। उसे पूरा हक है कि वो मुझे प्यार कर सके, वो मुझे अपने आप में बसा सके। तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों में रहे। बापरे, तुम ऐसी हवा हो जो मेरे अंग अंग को छू जाए, और तुम्हें पाने के लिए हर कुंवारी तैयार हो। मुझे अपने साथ ले चलो सदा सदा के लिए। कुत्ते, मेरी नजर कैसे डाली? अरे अरे, तेरी नजर क्यों मार रहे हो? इसमें छोड़ूंगा नहीं, घर में पूजा। मेरा हाथ छोड़ो,
सोलोमन कोई बात नहीं फादर, फादर आपको पता है मैं हमेशा से पढ़ाई करना चाहता था, तो सुषंदा की वजह से लोगों की बातों में आके तुम कब से पढ़ाई लिखाई करने लगे बताओ मुझे। ये तुम क्या बोल रही हो सुषंदा, ईश्वर की कृपा के बिना पढ़ाई लिखाई करना संभव ही नहीं है, रास्ते से हटो। हाँ हाँ मुझे भी उस भगवान का पता बताइए, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। मैंने जब कृपा चाही तब तो मुझ पर नहीं हुई, क्या फालतू बातें कर रही हो, ईश्वर का भी कोई पता होता है तुम हटो यहाँ से, बोर्ड चली जाएगी। सुनो जो वादा स्कूल में किया था वो भूल गए हो क्या तुम? ये बोल क्या रही है? वादे के बारे में। कौन सा वादा? वादे के बारे में इसी से पूछ लीजिए। तुम्हें याद है मैंने फ्रांसिस एंटो और रघु को क्या दिया था, तुम्हें याद है ना? मैंने क्या दिया था? गाली। और तुम्हें क्या दिया था? तुम्हें क्या दिया था? चुम्मा। चुम्मा आपको जैसे पता ही ना हो कुछ। कब्रिस्तान में इसने मुझे क्या दिया था पूछिए जरा इसे। कब्रिस्तान में तुमने क्या दिया था इसे? आपको नहीं पता दो लोग झाड़ियों के पीछे और क्या क्या करते हैं? मैं तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत करता हूँ सुषंदा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें फूल और कांटों की दोस्ती हो ही नहीं सकती। आखिरकार इसने मेरी असली जगह दिखा ही दी। यहाँ खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारा फैसला अभी जानना है। तुम्हें पढ़ाई करके चर्च का फादर बनना है या मुझसे शादी करके मेरे बच्चों के फादर? तुम्हारे बच्चों का फादर मतलब? मैं तुम्हारे बच्चों का पिता बनूंगा। आपने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था क्या फादर? लगभग 1500 लोगों ने पेटिशन साइन करके भेजा है बिशप के यहाँ, फादर जोसेफ को हटाने की मांग है, जो 15 साल से कुमारण करी गांव के चर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज ही बिशप का फोन आया चर्च में त्योहार के बाद फादर की जगह बदलने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गाँव में कुछ हो और तुम्हें पता ना हो। अब ये बताओ पप्पी, बिशप को ये पेटिशन आखिर किसने भेजा है, इसके बारे में डिटेल मुझे जानना है। ये पार्सल अपनी जगह पे बस ठीक ठाक तरीके से पहुंच जाए, भगवान कृपा करना। वो क्या है ना महाराज, क्या बात है, कोई दिक्कत है नाम बताने में? वैसे तो ये सबके साथ धोखा ही होगा, मुझे पता है इसके बारे में। मेरे सामने ही पिटीशन पे सबने एक एक करके साइन किया था और उसका नाम है क्या ग्रीवर गीज बैंड ग्रुप को दशकों से बनाए रखने का जिम्मा चर्च ने नहीं उठाया है, सही बोला ना? कसम है ऊपर वाले की, मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। लुई पप्पन और थॉमस पप्पन ने मेरी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, बताइए मैं क्या करूँ। बाहर आके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अरे कुत्ते की दुम। क्या बात है पप्पन, आज सुबह सुबह? हाँ हाँ, नाव में क्या है मछलियाँ? हाँ हाँ। हाँ, पप्पन की जैसा धुन कौन बजा रहा है? शायद कोई डेविस के ही बैंड का होगा। ऐसा है तो ये लो। हाँ
इस तरह बजाने का तरीका तो स्टीफन का है, लेकिन बजा कौन रहा है वहां पे? कौन है वहां पे? मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बोर्ड पे रोशनी नहीं है। मुझे उस बोट के पास ले चलो। जरा ये राइट मुझे दो। ये बंदा है कौन जो पप्पन को टक्कर दे रहा है? हे भगवान, अरे सोलोमन तुम बजा रहे थे? बेटा तुमने ये कहां से सीख लिया? मेरे पास आओ बेटा, चलो पास चलो, मुझे उसका चेहरा देखना है। मेरा स्टीफन अब तक मरा नहीं है, और ना ही स्टीफन का संगीत मरा है। बजाओ बेटा, बजाओ ना। उस दिन लुई पपन को स्टीफन के बेटे के हुनर का पता चला। उनको बचाते हुए पूरे 7 घंटे 2 मिनट हुए। उसी शाम को पेड़ के ऊपर मादा बत्तख को ये पता नहीं था कि उसका अंडा पानी में गिरा है या नाव पे। वो घबरा गई और आसमान में देखने लगी बिना एक पल गवाए। चर्च के पीछे नारियल के पेड़ से एक लाल नारियल गिराया गया। उसी शाम को डेविस का भतीजा जो US में रहता है उससे सुषन्ना की शादी पक्की करा दी, और इस तरह से फिलिप्स और डेविस समधी बन गए। और वहां स्टीफन और परियां रूट के उदास हो गए। मैं अगले दिन के लिए स्पीच तैयार कर रहा था, लिखते लिखते जिसकी स्याही फैल गई, और वहां फादर जोसेफ अपने तबादले को लेकर परेशान थे, और वहां महाराज ने चर्च का मुख्य द्वार जोर से बंद कर दिया। ये चर्च कितना पुराना है? उसे 300-400 साल पुराना होगा। अब अगर चर्च पर ऐसी कठिनाई आई है तो ऐसे कैसे जा सकता हूँ? अब तो इसकी छत भी महफूज नहीं है। चर्च की छत का कोई भी हिस्सा यहाँ आए हुए दर्शनार्थियों पर गिर सकता है। सही कहा फादर। क्या हमें कुमारकरी के लोगों को इस होने वाली घटना से बचाना नहीं चाहिए? एक फादर का ही तो काम होता है अपने गांव के लोगों के भलाई के लिए ही चर्च को बनवाने की। पेटिशन भेजनी चाहिए। हाँ, हमें भेजना ही पड़ेगा। चर्च को बनाने का जिम्मा यहाँ के सबसे भरोसेमंद भक्त फिलिपोस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है ना फादर? हाँ बिल्कुल। और इस चर्च का सबसे वफादार और सबसे पुराना सेवक महाराज यहाँ की देखभाल करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे।
मैंने देखा एक योद्धा को लाल वस्त्र पहने हुए एक सफेद घोड़े पे सवार मैंने अपने स्वामी को देखा। कुमारन करी के चर्च की छत दीवार और दरवाजे कमजोर हो गए हैं और जोसेफ सुनो, इससे पहले छत का कोई भी हिस्सा किसी को हानि पहुंचाए कुमारन करी चर्च को फिर से बनवाने का आदेश देता हूं, ऐसा स्वामी ने कहा है। मेहनत कितनी लोगे सोलोमन? पोजे कॉन्ट्रैक्टर बहुत चलाक है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी और उस पार जाके चुपचाप उसकी सगाई करा दी। विदेशी लड़का देख के वो भी पगला गई होगी और झट से हाँ कर दी होगी। मेरे भाई ये थोड़ा सा खा ले, ये कड़वा सच तुझे निकलने में मदद करेगा। सुन पहल, किचन से थोड़ा चिकन लेकर आना। मैं क्या है, रखा होगा बर्तन में। इसको देख के मुझे भी तकलीफ हो रही है, क्या करूं? सुन, तुझे पता नहीं होगा सोलोमन, किसी भी औरत पर भरोसा करना बेवकूफी होती है सोलोमन। अब सुनो, त्योहार की रात को चर्च में मेरा पति तमिलनाडु में किसके साथ था? मेरी सगी बहन के साथ, अपनी, बिल्कुल अपनी सगी बहन के साथ। कमी नहीं कहीं की। भगवान, अब इसे क्या हुआ, बोलना क्या हुआ? नीचे फंस गई। क्या? चेन नीचे फंस गई और क्या? सोलोमन सुना, इसकी चेन फंस गई है, सुना सबने? मेरा मजाक उड़ा रही हो, शर्म नहीं आती? जैसा तू वैसी तेरी चेन, जा यहाँ से, जा। अपने बाप की तरह लंबी चेन पहनने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, तूने ऐसा बेटा दिया है कि अब मैं क्या कहूँ। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, सारी हरकतें उनके जैसे ही करता है ये। मैं जा रहा हूँ। अच्छी बात है कि अभी तक शादी नहीं हुई, नहीं तो लड़की छोड़ के भाग जाती। सोलोमन समझा समझा के। अरे अपनी धोती तो पहन के जा। अरे सोलोमन ध्यान से जाना, ये जा रहा है क्या? जा रहा है, आज से इसने पीना शुरू कर दिया। अपना ध्यान रखना, ये ठीक नहीं लग रहा बेचारा। ईश्वर ने तुम्हें बहुत हुनर दे के भेजा है, बजाय कि तुम उस पे ध्यान दो, तुम उस लड़की के पीछे गए और देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई। जब उसने उस लड़के को धोखा दिया तभी साबित कर दिया कि वो अपने बाप की बेटी है। क्या तुम सुबह से एक बार भी अभ्यास के लिए आए? 4 महीने बाद हमारा कॉम्पिटिशन है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम नहीं जीत पाओगे। एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अब जाओ और शांति से सो जाओ, कल सुबह प्रैक्टिस के लिए आ जाना। फादर। फादर। सोलोमन, मैं तो पूरी तरह से बेवकूफ बन गया। उन्होंने मुझे पहले कुछ भी नहीं बताया था, जब वहां गया तो देखा लड़की सुषेणा है। फादर, अगर मैं कुछ कहूं तो आप मेरे लिए करेंगे? बोलो सोलोमन। हो गया फादर, अब चलते हैं, अब ये खिड़की नहीं खुलेगी, सोलोमन भी अब से क्लैरिनेट नहीं बजाएगा। पहले नीचे उतरो फिर फैसला ले लेना। आ, 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 आ,
थोड़ा सा राइट लेफ्ट लेफ्ट फादर थोड़ा थोड़ा इस बार फादर फादर तुम्हारा नाम एक नदी की धारा की तरह है जिसमें तुमसे लड़कियां डूब के प्यार करेंगी। मुझे भी उस नदी में अपने साथ बहा के ले चलो सुलेमान। मेरे जाने से पहले मुझे तुम दोनों को साथ में देखना है। दादी माँ मेरी बच्ची उसकी शादी तय हो गई है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो भी उसके साथ। बेटा मच्छन, वो मेरी बेटी है, अपने घर की इज्जत का सम्मान करेगी। हमने शादी जो उसके पक्के कर दी है, और फिर वो हमारी आंखों के सामने जो था है। हाँ, 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 वो तो है। हाँ, क्या हुआ, बिजली चली है क्या, या किसी ने बिजली बंद कर दी? त्योहार में तो हमारा ही जुलूस निकल गया। इस बात को भूला नहीं जा सकता, क्या हम बेवकूफ बन गए? हाँ, बहुत बड़े वाले। बोट आ गई है, तुम लोग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। अरे साले साहब, ये मुकुट क्यों पहन रखा है आपने? अब ये कौन है? हाँ? सुशंदा लग रही है। उसे भागने मत देना, आओ चलो। डेविस, डेविस, चलो। इसे जाने मत देना, पकड़ो इसे, पकड़ो, आज तू गया काम से साले। सुशंदा तू कहाँ जा रही है? इसे बता, प्लीज। क्या कर रहे हो? इधर बचाओ, बोलिए ना इसे, बचाओ इसे, बचाओ। भागने की तैयारी कर रही थी। हिंसा में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। फादर इसके खिलाफ फैसला करेंगे। ये एक ऐसी लड़की को भगा रहा था जो पहले से किसी और की हो चुकी है। इसे तो मार देना चाहिए, या तो निकाल दो इस गांव से। भिखारी कहीं का, मेरा बस चले तो मैं तुझे यही गाड़ दूं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। फैसला नहीं हुआ, छोड़ दो, छोड़ दो। तुझे हमारे परिवार के घर को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेगा। बड़ा आया ईश्वर का दूध बनने चला, किसी ने हाथ भी लगाने की कोशिश की। ये कुमारन करी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो, बताओ, क्या समझते हो? छोड़ दो। अरे तुम हमारी लड़की को भगा रहा था, नुकसान तो हमारा हुआ ना, पर आप लोग तो हमें ही दोष दे रहे हो। कौन भगा के ले जा रहा था तुम्हारी बेटी को? वो दोनों साथ में ही भाग रहे थे। गाँव जानता है दोनों के प्यार के बारे में, और तुम्हें पता नहीं? क्या तुम लोगों ने शादी के लिए सुशन्ना के साथ जबरदस्ती नहीं की? अगर वो प्यार करते हैं तो तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए।
अरे तुम लोग तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए। अरे शर्म करो। लानत है तुम लोगों पर। इधर कहाँ गए? हे सुचन्ना मेरी इकलौती बेटी है, ये तुम्हें समझ में आया? यहाँ खड़े हो क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें शर्म करना चाहिए। अबे पूरे गांव को पता है इस चर्च की पवित्रता के बारे में। सोलोमन इस गांव में नहीं रह सकता है, इसको यहाँ से भगा दो। मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। अब बस करो, चुप हो जाओ। ये लड़का केवल एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि एक अच्छा कलाकार भी है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या हुआ, कलाकार कुमारन करी में इसकी हैसियत ही क्या है? आज तक दो पैसे तो कमाए नहीं इसने। इसके तो इरादे भी कुछ अलग थे। अगर ये मेरी बेटी से शादी कर लेता, पूरी जिंदगी घर में बैठ के मुफ्त का खाना खाता, और तो और कुमारन करी के लोगों को भी नहीं छोड़ता। मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसे लोग छत पे बैठ के लड़कियों को देखते रहते हैं और सीटियाँ बजाते हैं। यहाँ कोई बता दे जिसने इसे क्लैरिनेट बजाते देखा हो। अरे वो तो लुई पप्पन और उसके बैंड। कौन जानता इस बैंड में कोई अच्छा बजाने वाला है या नहीं? कुमारन करीन में है कोई? ऐसा कोई है जो अपने बल पर हुनर दिखा सकता है? क्यों बोलती बंद हो गई? है किसी में हिम्मत? डरपोक हो तुम, डरपोक। तो ठीक है सुनो, अगर इस न्यू ईयर पे ग्रेवर्गिस बैंड में हिस्सा लिया तो समझ लो ये सोलोमन लीड करेगा। पिछले 17 साल से तुम्हारे बैंड ने परफॉर्म नहीं किया, क्या तुम बजा पाओगे? बोलो। हाँ बजाएंगे। क्या ट्रॉफी भी जीत पाओगे? लुई पप्पन बोल दो, हम जीत के दिखाएंगे। हम जीतेंगे भी अगर क्लैरिनेट के प्रति हमारी भक्ति सच्ची है। अगर इस चर्च में सच में ईश्वर का वास है तो कुमारन करी से वादा रहा मैं कि हम लोग जीत के दिखाएंगे और ये जीत हम ईश्वर को समर्पित करेंगे। सुनो, अगर गलती से तुम लोग जीत गए तो पिछले 8 साल की मरियम बैंड की जीती हुई रकम ना मैं खुद इस लड़के को दे दूंगी। बोलो कॉन्ट्रैक्टर साहब। हाँ, सुशन्ना की सगाई हमारे घर के बेटे से हुई है। हाँ? अरे जीत गया तो इससे शादी करवा देंगे। फिलिप बोल दो तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो अब बोलो। बता। बोलो पप्पन। ग्रीवर्गिस बैंड हारे तो जीवन में कभी नहीं बजाऊंगा। सुशन्ना और सोलोमन कभी नहीं मिलेंगे, मेरा फैसला है। रुक जाओ, यहाँ जो भी फैसला हुआ है उसका इस चर्च से या फादर से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस बैंड की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके बैंड के लिए चर्च एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा। चर्च का बैंड से कोई रिश्ता नहीं। बैंड चर्च से अलग नहीं हो सकता और ना ही आप कॉम्पिटिशन रोक सकते हैं। किनारे के इसी तरफ किसी न किसी को ढूंढ लेंगे स्पॉन्सर करने के लिए। हम चलते हैं पप्पन, अब हम सीधे कंपटीशन में ही मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ। क्या आप जानते हैं उसकी मदद किसने की? फादर विंसेंट ने। हाँ। हाँ। सुन लिया ना? चल मच्छन, अब चलो यहाँ से। हाँ। अब कंपटीशन में ही मिलते हैं। चल चल यहाँ से। सोलोमन, इससे अच्छा होता कि आप मुझे मार देते। फादर इसे मैं कहाँ रखूं? मतलब ये मुकुट और भाला। फादर विंसेंट विटोले, आप अपना सामान बांध लीजिए और वो पैंट शर्ट और सनग्लास को ले जाना मत भूलिएगा। अब आपको ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। बिना समय गवाए जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्म जैसी महसूस हो। मुझे पूरा भरोसा है अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फादर रुकिए। तो क्या है, फादर जोसेफ को लगता है कि आप चर्च को तोड़वाने के खिलाफ है, इसलिए वो नाराज है। आप कहना क्या चाहते हो महाराज? ओहो, आपको इसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। चर्च को तोड़ना और उसे बंद करवाना या सबको प्रेम से इकट्ठा करना, मुझे इनमें से क्या चुनना चाहिए महाराज जी? मैं तो आपको मानता हूँ इसीलिए कह रहा था, लेकिन अगर आपने भक्तों को चर्च में आने में मदद की या फिर किसी को भगाने में मदद की तो गाँव वाले क्या करेंगे मुझे नहीं पता। महाराज, मैंने पूरे गांव की तकलीफ को दूर करने का ठेका नहीं लिया है। मैं अपने सामान के साथ तैयार रहूंगा, वहां से समाचार है तो मुझे बताइए। जैसी आपकी मर्जी फादर। पप्पन, आपको क्या जरूरत थी मेरे और सुशन्या के रिश्ते को दांव पे लगाने की? क्या बोल रहे हो पप्पन, ने अगर बीच में कुछ बोला नहीं होता तो आज के दिन वो तुम्हें मार चुके होते। क्या तुम्हें भी भरोसा नहीं कि हमारा बैंड परफॉर्म कर सकता है? ये कैसे संभव है पप्पन, आप सबने इतने साल कोशिश की तो भी जीत नहीं पाए तो मैं कैसे जीत पाऊंगा? किसी और के साथ सगाई के बाद भी सुशन्ना मेरे साथ थी, अब मैं उसे कैसे समझाऊंगा? आप लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। ये बताइए पप्पन, किस बिना पे आपको लगा हम बजा लेंगे और जीतेंगे भी? बताइए। थोमा चुपचाप बैठो,
मुझे ऐसा लगता है कि पप्पन भूल गए हैं कि हमें बजाए हुए बहुत साल हो गए हैं। क्या इसने एक बार भी अपने आप को साबित किया जो आप इसके साथ देने चल पड़े? आप हमारी तरफ से फैसला लेने वाले हैं कौन? और वो भी ऐसे इंसान के लिए जो किसी कर्म लायक नहीं है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतने साल तेरी बजाने की मेहनत को बाहर लेके नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए? मेरे स्टीफन के बच्चे ही भुगता, वो जीत नहीं पाएंगे बेटा। बोल बेटा, क्या हम जीत नहीं सकते? अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो हम सब में से इस बैंड में कोई नहीं बजाएगा। ये पप्पन का फैसला है और अब सोलोमन ही बैंड को लीड करेगा, समझ लीजिए। और हम जीतेंगे भी, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को सोलोमन के लीड प्लेयर बनने में परेशानी है तो अभी बताएं। थॉमस पप्पन, इसमें आपका क्या फायदा? बहुत दिन से इस दिन का इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं तुम्हारी करतूतों के बारे में? आज के बाद यहां अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल निकल यहां से। इतनी रात को यहां कौन आ रहा है? आज के बाद ग्रीवर जी इस बैंड को चर्च नहीं चलाएगा। आज के बाद मैं चचप्पर इस बैंड को चलाने के लिए जितना भी खर्च लगे मैं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ईश्वर ने कहा है ये सब करने के लिए। उस रात फादर जोसेफ और औसेफ महाराज को भी सपना आया था जिसका अर्थ वो समझ नहीं पाए। वैसे तो फादर विंसेंट मेरे बड़े भाई का बेटा है, उसका ये पहला मौका है, उसे यही रहने दिया जाए। फिर जैसा आप कहें। तो इस बार सोचिए और जो ठीक लगे वो करिए। और अगली सुबह पप्पी ने नदी पार किया और डेविस मरियम बैंड में शामिल हो गया। मेरी नींद मेरा चैन ले गए जाने जा, मेरे दिल को छू गए ये ख्वाहिशों का समा। हुआ क्या आजकल नहीं पता, बताओ ना। महकी है खिल उठी जिंदगी तेरे संग, मैं उड़ रही हवा में जैसे बादलों के संग, बादलों के संग। ओ मेरे मन के तार है मिले तुम्हारे मन से, दिल ही कहता आमीन। ओ मेरे मन के तार है मिले तुम्हारे मन से, दिल ही कहता आमीन। Thank you.
सुनो, बोट साइड में मत लेना, सीधे चलना, समझ गया? मुझे फादर से कुछ जरूरी बात करनी है। फादर, क्या ये आपका रोज का काम है? मेरा मतलब है अगवा करना। ऐसे मत देखिए फादर, ये मेरे दोस्त है, ये बॉडी बिल्डर है और ये बनने वाला है, हाँ? फादर, क्या एक दिन के लिए मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ? कुमारन करी के सभी गांव वाले ध्यान से सुने, ग्रीवर्गीस ट्रॉफी का ये 50वां साल है। इसमें 3 दिन का बैंड कंपटीशन चर्च के मैदान में आयोजित किया जा रहा है, इसमें आप सबका स्वागत है। उसके अगले दिन ही चर्च को तोड़ने का काम शुरू होगा। सभी लोग ध्यान से सुने, प्रेयर के लिए फिलिप्स के घर के मैदान में व्यवस्था की गई है। सुने, चर्च को तोड़ने का काम। बेटा, तूने मुझे बुलाया? उसके अगले दिन एक बेटा है जो छोड़ता है और एक माँ है जो छोड़ने पे आ जाती है। बेटा, बुरा मत मानना, ये तो नैसर्गिक है और ये तो ईश्वर की देन है। उस दिन जेट्टी पर वोट से 3 गुट पहुंचे जो कि कुमारन करी की देखरेख के लिए फिर इतिहास लिखने वाले थे। पहला, चर्च कैसे गिराया जाएगा उस बारे में फैसला लेने वाले थे आर्कियोलॉजिस्ट। दूसरा, 2 गुंडे जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर फिलिप्स ने सोलोमन को संभालने के लिए बुलाया था। मैं विक्रम। मुथु। चला। सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरा, ग्रीवर गीज बैंड को खत्म करने के लिए डेविस ने पैसे देकर कोची के फोर्ट से एक कलाकार बुलाया, शेवलियर पोथाचन। वो हाँ, तो ये कुमारन करी है। हाँ, ये रहा मेरा। वैसे भी मैं पूरा भीग चुका हूँ, मैं उस दुकान पे जा रहा हूँ, तुम मुझे वहीं आके मिलो। फादर तो पहले आ चुके हैं, ये कौन सा नमूना है? कोई जोकर है या फिर लोफर? हमने मुआयना किया, चर्च की दीवारें बहुत ही कमजोर हो चुकी हैं, उसे तो ठीक करना ही पड़ेगा। कुमारन करी के चर्च को फिर से गिराकर बनवाने की जरूरत है। आ जाओ। सर, आपने हमें किसके लिए बुलाया है? सर, उसके हाथ तोड़ने हैं या पैर तोड़ने हैं? तारा भाई, मुझे दो बोतल तो देना। ये पोथाचन है, शेवियर पोथाचन, डेविस ने कोची के किले से बुलाया है। अगर हम किसी को रिश्वत दें तो कोई भी पुरानी चीज कमजोर पड़ सकती है, है ना इंजीनियर साहब? हाँ, वो तो है, अब तो बस पैसे कमाने बाकी हैं। अच्छा, तो उसकी उंगलियां तोड़ दो ताकि वो उंगलियों से बजाओ ना पाए। बेटा, तुम्हें पता है ये कौन है? चारी को पता ही नहीं है। तो सुनो, नॉर्थ स्टेशन के केस में इन पर खून का इल्जाम है। विक्रम, मुथु, मैंने बुलाया इन्हें उसे समझाने के लिए। ये मुझे अभी पूछ रहे थे, पहले हाथ तोड़ू पैर तोड़ू? फिलहाल ये लगती इसका रहे है। क्या आप और चिकन करी लेंगे? Oh.
गुस्सा करती है आपकी बेटी। अरे यहाँ क्रीवर गीज बैंड का चमचा कौन है? तुम मेरे बारे में पूछ रहे थे? अगर हाँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे सामने पोथाचन। क्या पप्पन, आप तो अभी से बूढ़े हो गए। अगर आपको किसी ने ललकारा तो आप में हिम्मत है? अंग आशाएं गुम हो गई, बस हिम्मत साथ रही, मैं अकेला। पहली बार कंजूर चर्च के सेबेस्टियन फेस्टिवल में आपको सुना था, सही है ना? बाद में चलाकुड़ी चर्च के सेबेस्टियन फेस्टिवल में भी, उल्लूर गैब्रियल एंजल फेस्टिवल में, और आखिरी कोटामम रॉकिंग्स फेस्टिवल में हम मिले थे। उस दिन आपने मुझे फंसाया था। उस दिन मैंने बहुत बेइज्जती महसूस की थी। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, है ना? मैं तो इंतजार कर रहा था कि पप्पन फिर से हिस्सा लेने आएंगे। स्टीफन तो मौका दिए बगैर ही चले गए। अब लोही पप्पन ही बचे हैं। मुझे बहुत सारे हिसाब किताब करने हैं आपसे। मैं यहाँ कुमारन करी में पैसों के लिए नहीं आया हूँ, ना शराब और ना शबाब के लिए। बस एक बार आपको हराना है, मैं जीतना चाहता हूँ, मेरी जिद है। लेकिन इस बार भी तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। अगली बार आना, मैं तुम्हारे लिए हार जाऊंगा। नहीं पप्पन, मैंने डेवी से वादा किया है। इतने साल से जो मैंने सीखा, बजाया, सुना, मैं अच्छी तरह से तैयारी करके आया हूं। मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। मैंने भी कुमारन करी के संत और यहां के लोगों से वादा किया है, अब ये बदल नहीं सकता किसी भी कीमत पे। मैंने भी खुद से वादा किया है कि जीत के रहूंगा। सब कुछ खत्म करने के बाद ही मैं यहां से जाऊंगा। अब देखो, चलो। हे भगवान, पहली बार ऐसा कोई यहाँ आया जिसने शराब पीने के साथ साथ कांच भी खा लिया। ये मेरी जिंदगी का पहला अनुभव है। बांध के अपने हौसलों को आगे बढ़ना है, मुश्किल बहुत होगी पढ़ना हार मानना है, जज्बा ये जीतने का अपने अंदर जगाना है, सबके आशाओं पर हमको खरे उतरना है। एक हो के हम सुर लगाएंगे और बजाएंगे, हराएंगे चाहे कितनी आए रुकावट, हम मिलके उसको हटाएंगे। तोड़ सारी दीवारें और शामिल हो जाओ, आग लगाएं मिलके बैंड में, आओ 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 तुम सब आओ, मिलके अपनी जान लगाओ, जोश ना छोड़ो। बैंड में आओ आओ सब मिलके शामिल हो जाओ, आओ आओ तुम सब आओ, आग लगा दो। बैंड में आओ 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 सब मिलके शामिल हो जाओ, तुम सब अपनी जान लगाओ, जीत तो तय है। माइक चेक। सुनिए फरीद, बिना चीनी के चाय और लड्डू लेके आना मेरे प्यारे दोस्तों, गांव वालों और उनके परिवार वालों के लिए। आज मैं यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
डेवीज बैंड के मेंबर का भाई। पोथाचन वो बिना शर्त के क्लेरा से शादी करेगा। सच में पोथाचन काजू के फैक्ट्री में काम करता है। हाँ, फेस्टिवल के बाद डेवीज के बैंड में काम करने का उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। ये स्टीफन के घर के पेपर्स हैं, आपको देने के लिए आया हूँ। इन सब के बदले सुषमा की इससे शादी चर्च में करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये उसेप का आपसे वादा रहा। और हाँ, इतना सब कुछ करने के बदले आपको हम लोगों से क्या चाहिए? ये बहुत समझदार है, बस एक ही चीज करती है जिससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तुम बस कंपटीशन में बजाने से इनकार कर दो। ऊपर वाले का हाथ है हमारे साथ में, सामने जो आए हारेगा। तुम्हें हारना है, जीत हमारी होगी। जीत की खातिर जो भी करना है हम सब मिलके करेंगे। बताइए, खाने का समय हो गया क्या? कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है। हाँ तो? ये हमारी पोशाक है। बहुत बढ़िया है बेटा। माँ, एक बात पूछो तुमसे, इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं बड़ा आदमी लग रहा हूँ ना माँ? हाँ। मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूँ माँ? तुम मुझे आंटी कह के बुलाओ। क्या बोल रहे हो चाचा? जब ये क्लैरिनेट बजाने के लिए हाथ में लेता है ना, तो इसके हाथ कांपने लगते हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, हमारे चर्च का बैंड तो जीत ही नहीं पाएगा। मुझसे शर्त लगाते हो? ये तुम लगाओगे भाई। सोलोमन, बेटा सोलोमन रुको तो, एक बात बोलनी है, रुको तो। सोलोमन, मुझे पता है तुम अपने पिता से बहुत अच्छा बजाते हो। अगर कंपटीशन में जीत भी जाते हो तो कंपटीशन के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? आपको कितने पैसे मिल रहे हैं ये सब करने के लिए? तुम्हें पता है उस परिवार का क्या होता है जिसे चर्च निकाल देता है? ना तुम्हें अनाज मिलेगा और ना ही चुटकी भर नमक, पानी भी नहीं। यहाँ तक कि कोई बच्चा भी इस परिवार से बात नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारी माँ को आधी रात को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे संतों को तो कैद में रखा है। आज भी सारे त्योहार को फादर और मैं ही मैनेज करता हूँ। क्लारा, हमने कैसे बजाया? हम आखिर तक पहुंचेंगे ना? तुम बोलो ना, मुझे हिम्मत मिलेगी। सुनिए सुनिए, दूसरे राउंड में 8 टीम चुनी गई है। मैं सभी के नाम पढ़ रहा हूँ। मकम्मम मेरी माटा बैंड का स्वागत करता हूँ। अगला है व्यतिकुलम ईसो बैंड। तीसरा है चैना कैथिल जमाम बैंड। और ये चौथे नंबर पे है मरियम बैंड। उसके बाद अत्तू करा इरुवेला बैंड, पुरिसदी चरु पुष्पम बैंड, कुरुवितलम ओके बैंड, और आखिर में कुमारन करी के गिवर्गीस बैंड। सर, आपकी खुशी के लिए मैं एक काम करके आया हूँ। वो क्या? सोलोमन के क्लैरिनेट की रीड निकालकर उसे तोड़ दिया है। अब वो बजा नहीं सकता है। रीड के बगैर वो बजा ही नहीं पाएगा। उसका चर्च सफाई का काम भी खत्म कर दे कहीं के। जीतना है तो अपने दम पे जीतो, किसी के साथ बेईमानी करके नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हें बैंड में नहीं रखना है, निकल जाओ। चल
इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे तो महाराज ने बोला था ये करने के लिए। तो दोष नहीं दिया जा सकता। कोई बात नहीं सोलोमन, अभी भी हम बाहर नहीं हुए हैं। अभी तुम्हें बस कल के बारे में सोचना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हम अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकते। नया है लेकिन है तो स्टेफन का बेटा। इस पर तू देखना, वो कुछ तो करेगा। प्यारे दर्शकों, मकम्मम मेरी माटा बैंड को क्लस्टर की तरफ से उपहार मिला है। अरे ताली बजाइए, कहीं के चोर नहीं, बजाइए बजाइए ताली बजाइए। नीचे उतर पे, चोर कहीं के, आज मुझे बताता हूँ। ये कड़कई का, चल भाग यहाँ से चोर। प्यारे दोस्तों, एक और खुशखबरी, व्यतिक वलम ईसो बैंड को अम्ब्रोस की तरफ से 101 अंडे उपहार में मिले। बजाइए, जोर से ताली बजाइए। हटो हटो, दूर हटो दूर हटो, ये अंडे किसी को नहीं मिलेंगे। सुनो दोस्तों, इधर ध्यान दीजिए। दूसरे दिन के कार्यक्रम में सेमीफाइनल में 4 टीम्स चुनी गई हैं। मैं उनके नाम पढ़ने जा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है मकम्मम मेरी माठा बैंड, उसके बाद दूसरा है कुरी सदी चेरु पुष्पम बैंड, उसके बाद तीसरा है कुमारन करिके गिवर्गिस बैंड, और आखिर में चौथे नंबर पे है मरियम बैंड। तुम घोड़े और सांप को बार बार छूकर चूम क्यों रही हो? ऊपर हमारे संत हैं, बीच में घोड़ा है और नीचे सांप, यही हमारे बैंड को जीता दे। सही बोल, भगवान हमारे बैंड को जीता देना। जज्बा ये जीतने का अपने अंदर जगाना है, सबके आशाओं पर हमको खरे उतरना है। एक हो के हम सुर लगाएंगे और बजाएंगे, हराएंगे चाहे कितनी आए रुकावट, हम मिलके उसको हटाएंगे। तो सारी दीवारें आओ शामिल हो जाओ, आग लगाएं मिलके बैंड में आओ। फादर, अगर हम एक तरह से देखें तो साज और यूनिफॉर्म से ये बिल्कुल स्टेफन जैसा दिख रहा है। अगर पहले ही खत्म कर देते तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर चर्च बैंड मंच पर आ गया तो हमारी तो लग जाएगी वाट। जज्बा ये जीतने का अपने अंदर जगाना है, सबके आशाओं पर हमको खरे उतरना है। एक हो के हम सुर लगाएंगे और बजाएंगे, हराएंगे चाहे कितनी आए रुकावट, हम मिलके उसको हटाएंगे। तो सारी दीवारें आओ शामिल हो जाओ, आग लगाएं मिलके बैंड में आओ। आओ 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 तुम सब आओ, मिलके अपनी जान लगाओ। मेरे प्रिय दर्शकों, कुमारन करी चर्च में हो रहे इस कंपटीशन में सेमीफाइनल में जो 4 टीम पहुंची थी उसमें से आखिरी राउंड में 2 टीम चुनी गई हैं। कुमारन करी के गिवर्गिस बैंड का हार्दिक स्वागत। और दूसरा मार्था मरियम बैंड, तालियां।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक दिन क्लैरोनेट बजाओगे। मुझे भी नहीं पता था कि मैं बजा पाऊंगा। क्या ये नया है? पुराना है फादर। तो कल क्या तुम इसी से बजाओगे? मतलब चर्च बैंड जीत जाएगा है ना? तो अपने मतलब के लिए तुम मुझे हरा दोगे? अब कल बजाओ और मुझे जीत के दिखाओ। अरे ये क्या हुआ बेटा? ये कैसे टूट गया? हे ईश्वर, अब क्या होगा? अब मैं कल कैसे बजाऊंगा मेरा क्लैरिनेट? टूट गया माँ। ये तो पापा का नहीं है। मैं ये कभी नहीं सीख पाई, पर कल इसे तुम बचाना। कल मंच पे तुम सबके सामने इसे बजाओगे, यही पापा की इच्छा थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई पापा से भी एक कदम आगे होगा। मुझे नहीं पता था। सुषन्ना, तुम्हारे दिए हुए क्लैरिनेट के बारे में मुझसे मत पूछना। अब वो नहीं है, ये मेरे पापा का है, स्टीफन आशन का। जहां भी बजाने के लिए वो इसे लेके गए वहां उनकी जीत हुई। पर मैं स्टीफन मास्टर नहीं हूं। क्या मैं जीत पाऊंगा सुषन्ना? मैं नहीं कर पाऊंगा तो हमारा बैंड भी हार जाएगा। मैं जा रहा हूं, मुझे माफ कर। तुम जाओगे तो तुम हारोगे, और अगर तुम हारे ना तो तुम्हारे साथ साथ लुई पपन भी हारेंगे और कुमारन करी भी हार जाएगा। क्या तुम जीतना नहीं चाहते? तुमसे शादी नहीं करना चाहते क्या?
तुम कहां से आ रही हो? कौन था वहां? मैं जाऊंगी, जब भी सोलोमन बुलाएगा, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। कल उस कमीने का आखिरी दिन होगा। मैं भी देखता हूं कि तुम यहां से चर्च तक कैसे जाती हो। जब तक हम चर्च से आ नहीं जाते, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। चाची जी, दरवाजा खोलिए भैया, दरवाजा खोलिए भैया। विटोली, क्या हुआ? मुझे मारने वाले हो? मैं नहीं चाहता कि किसी और को इस बारे में पता चले और वो जाने। बोलो, किस बारे में? ये रोब पहन के जो आपने कल रात में किया वो सही नहीं मतलब था। मतलब सोलोमन का क्लैरिनेट तोड़ के आप एक इंसान कहलाने लायक नहीं रहे, सच है ना? मैं ये रोज पिछले 40 साल से पहन रहा हूं। ये पहनकर मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे मत सिखाओ विटोली। तुम्हें ये रोज इसलिए नहीं मिली थी कि तुम एक लड़की को भगा सको जिसकी सगाई हो गई हो। कोई भी फादर चर्च के खिलाफ काम करने के लिए और उसका नुकसान करने के लिए नहीं बनता, ये तो पता ही होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो पेड़ फल प्रदान नहीं कर सकता उसे काट के जला देना चाहिए, ऐसा बाइबल में लिखा है। पर मैंने बाइबल में पढ़ा है, आओ सब प्रेम करें। बाइबल बहुत पवित्र ग्रंथ है, ये आपको भी पता है। फादर, आपको बिलायती लड़की के साथ घूमने से समय मिले तब ना, आप कुछ और सोचेंगे। लोगों का ये कहना है कि आप पुरानी प्रथा को एकदम से बदल देंगे। पहले के लोग भी यही कहा करते थे जीसस और मैरी के बारे में। वो तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थे जिन्हें सूली पर चढ़ाया गया, तो फादर विंसेंट क्या चीज है? अब हमें एक दूसरे की गलतियां निकालना बंद करना चाहिए। आंखें बंद हो तो जरूरी नहीं कि रात हो गई। चर्च गिराने के पीछे आपका मकसद क्या है सबको पता है। कुछ चीजों को करने का मेरा अपना तरीका है। जो मैं चाहता हूं वही करता हूं और लोग उसे मानते हैं। फादर जोसेफ की अब कोई नहीं मानेगा। पर मैं यहां कुमारन करी का मुख्य फादर हूं। चाहे चर्च गिराना हो या बैंड बंद करवाना या फिर सोलोमन और सुषन्ना की शादी का फैसला करना हो, अंतिम फैसला तो मेरा ही होगा, ये बात याद रहे। उसके ऊपर भी यहां कोई शक्ति है जो चर्च और जीसस की रक्षा करेगी। उन्होंने भी कुछ फैसले किए हैं। फादर, कॉफी पी के जाना, कंपटीशन शुरू होने वाला होगा। थैंक यू फादर, कॉफी कंपटीशन के बाद पिएंगे। मैं और प्रभु तुम्हें सुनना चाहते हैं और जीतते हुए देखना चाहते हैं। मुझे प्रभु पे यकीन है। थॉमस, धमाकेदार कंपटीशन के लिए तो दिल थाम के बैठिए, कुछ ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है। अपनी तालियों की आवाज को रोकने मत दीजिएगा। चले शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का आखिरी कंपटीशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, तो स्वागत है दोनों टीम्स का। तुमने जो लेटर नाव में रखा था मैंने पढ़ा। अच्छा बजाने और जीतने की कोशिश करना। जरा ध्यान दीजिए। प्रिय दर्शकों, आज का आखिरी कंपटीशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। अपनी जोरदार तालियों से हमारी दोनों टीम का स्वागत कीजिए। कंपटीशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, तो स्वागत है दोनों टीम्स का। तो लीजिए दोस्तों, अपनी दोनों टीम्स का स्वागत करते हैं जो आज धमाल मचाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप इस कंपटीशन के लिए तैयार हैं? मैं दोनों टीम्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा।
दोनों टीम्स ने अपने अपने मंच पकड़ लिए हैं। हमारी दोनों टीम्स तैयार हैं एक धमाकेदार कंपटीशन के लिए, तो दिल थाम के बैठिए, कुछ ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है। अपनी तालियों की आवाज को रोकने मत दीजिएगा। चले शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं दोनों टीम्स के बीच होने वाला धमाकेदार कंपटीशन। जोर से तालियां। तुम्हें पता है ना क्या बजाना है? जहां जो जरूरत है वो बजाना। तुम्हारा क्लेरिनेट बजाना ही यह फैसला करेगा कि तुम जियोगे या मरोगे, ये ध्यान रखना। तुम्हारी जीत की प्रार्थना के लिए कोई अंदर बैठा है, ये बात मत भूलना। तुमने सुना था ना कल इसने कैसा बजाया था? क्या वो यही इंसान है जो मुझे हरा कर जीतने वाला है? आज तू बजाते समय इसकी हवा निकलने वाली है। समर्पित है ये हम सब की साधना। लिया है आज जीतेंगे और हराएंगे भी। हमने तो ठान लिया है आज जीतेंगे और हराएंगे भी। तुम लोग तो क्या जीतोगे, आज तुम्हारी हार तो पक्की है। तुम लोग तो क्या जीतोगे, आज तुम्हारी हार तो पक्की है। जीतेंगे, हारोगे, जीएंगे, we'll be right back.
ये स्पर्धा हमारी है, हम तो बाजी जीतेंगे, कुछ भी हो जाए ये बाजी हम ही जीतेंगे। किसी भी हालत में आज तुम हारोगे 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 हारोगे। मुझे पता नहीं जजेस क्या फैसला लेंगे, पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ इससे अच्छा मैं नहीं बजा पाता। मेरे लिए यही विजेता है, यही है।
शायद वो चर्च को गिरते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वो हमें जल्दी छोड़कर चले गए। फिलिपो जी, क्या है फादर? सुलमन तुम जाओ। क्या हमें अभी फैसला नहीं ले लेना चाहिए? हाँ, किस बारे में? आपने वादा किया था सुलमन के कंपटीशन जीतने के बाद उस बारे में याद आया। मैंने उस रात वादा किया था और उसे ट्रॉफी भी मिल गई, ये बात ठीक है, लेकिन अपनी बेटी को उसे कैसे सौंप दूं? आप ही बताओ, ये कोई मजाक चल रहा है क्या फादर? हाँ, एक बार मान भी लेता अगर जिसने बेट लगाई थी मेरे सामने आके बोले, या फिर प्रभु आके बोल दे तो मान लूंगा। मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूँ फादर, मेरी बेटी डेविस के भतीजे से ही शादी करेगी, क्या बोलते हो डेविस? अगर अब ऐसा हुआ तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, अगर मर्द के बच्चे हो तो अपना वादा निभाओ, ऐसी बेहुदा हरकत के लिए मुझसे उम्मीद मत रखना। सुनो, चर्च बनने के बाद सबसे पहले मेरी बेटी की शादी होगी, तुम लोग देख लेना, ये मेरा वादा है, तुम सबको अभी से न्योता दे रहा हूँ, आ जाना सबके सब मुफ्त में खाना खाने। चलो 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 रे सब। पहले इस मूर्ति को हटाओ, बाकी सब बाद में तोड़ना। कुमारनकरी में पूरा दिन और पूरी रात बारिश हुई और उसी के साथ तीन बहुत अच्छी बातें हुई। फादर जोसेफ को सपना आया कि चर्च को गिराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर फिलिप्स को ये बात समझ में आ गई कि सुषन्ना सोलोमन के लिए ही बनी है और ओसेप महाराज ने फैसला किया कि वो स्टीफन के घर के कागजात उन्हें लौटा देंगे इसके पहले किसी गाँव वालों को कुछ भी पता चले। सुषन्ना और सोलोमन की कुमारनकरी चर्च में शादी हो गई। कुछ हफ्तों बाद आसमान से काले बादल भी छट गए। उस दिन हवा में कुछ नमी सी भी थी। उस दिन पैरामन चर्च फेस्टिवल में ग्रीवरगीस बैंड बजाने गए और वो अपने गांव और अपने चर्च का नाम रोशन करने लगे। उसी दिन मिशेल ने भी फैसला कर लिया कि कुमारनकरी छोड़ के वो फ्रांस अपने माँ के पास वापस चली जाएगी। फादर विंसेंट और कुमारन करी, मैं दोनों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मिशेल, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम हमेशा मेरी अच्छी दोस्त रहोगी। बोट आ गई। सो सी यू सून, गॉड ब्लेस।
भाई एक नींबू सोडा देना। भाई यहाँ चर्च कहाँ होगा? हेलो, कौन? बिशप प्लेस से मैं बात कर रहा हूँ। कुमारन करी चर्च को संभालने के लिए फादर विंसेंट विटोली आज ही पहुँच जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, हैं? तो जो यहाँ था वो कौन था? आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। सारा सम खुश हो, अब न कोई दुख हो, सारे गम भूले मिलके गाए हालेलुया। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। थोड़ी हवाएं भी अब बदलेंगे, धरती मुस्कुराएगी, आसमां में तारे चमकेंगे, खुशियां ही खुशियां अब फैलेंगे, फूलों से महकेंगे, चलो मिलके स्वर्ग बनाएं हम। ईश्वर की कृपा होगी, दुनिया नजारा देखेगी, हमें मिलके उस कृपा को बनाए रखना है, यह मानवता का करम। चलो मिलके खाएं कसम, मुश्किलें दूर करें, हमें शक्तियाँ देना। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। आत्मा ये चंदा की जैसी झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदे मुस्कुरा रही हो। सारा समा खुश हो, अब न कोई दुख हो,